उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन से लेकर लव जिहाद जैसे कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा, ये वो सरकार है जो किसी को फंसा सकती है। यहाँ एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को फंसा रहा है। ये सरकार केवल आजम खान को परेशान करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा, जब सरकार अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह के लिए पैसे देती है तो फिर इस कानून की क्या जरूरत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मुख्यमंत्री हैदराबाद में जो बोलेंगे वो लोग समझ नहीं पाएंगे, उनकी टोको नीति को भी लोग समझ नहीं सकते। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।